हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही आपको जो है आज की लेटेस्ट जॉब भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तबादला एक्ट को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, धरा रह गया जिला संवर्ग का कायदा, तबादलों में हुआ चहेतों का फ़ायदा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिला कैडर के बाद भी यहाँ जो है धरले से यहाँ जो है अंतर जनपदीय जो है तबादले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है नियमों को जो है ताक पर रखकर जो है जिला संवर्ग वाले जो शिक्षक हैं धड़ल्ले से जो है अंतर जनपदीय तबादलों का जो है खेल जारी रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे हो रही पदोन्नति प्रभाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा संघ ने जो प्रांतीय महामंत्री नंदन सिंह रावत ने मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर जो है प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल में जो शिक्षकों का यहाँ पर जो है जिला कैडर है, और वहीं यहाँ पर इनकी पदोन्नति और तबादले इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। और वहीं बात करें आशासकीय स्कूल, जहाँ पर शिक्षक और कर्मी जो ये होंगे सरकार ई के समान जो है इनको हाउस रेंट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर आशासकीय स्कूल के शिक्षक कर्मचारी होंगे और यहाँ पर इनको हाउस रेंट सरकारी के समान मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में PCS मुख्य परीक्षा की तिथियाँ चेंज कर दी गई है, और अगस्त के बजाय अब यहाँ पर जो है 14 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच यहाँ पर मुख्य परीक्षा कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 149 उम्मीदवारों को मिला फिर से आवेदन का मौका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PCS परीक्षा में जो है फिर से इनको मौका मिला है, और इसकी आज जो है लास्ट डेट है, आज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका मुख्य परीक्षा के लिए 149 अभ्यर्थी। और वहीं यहाँ पर CUET परीक्षा यहाँ पर जो है स्थगित हुई है और हंगामा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए हम जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, इनके आपका CUET एग्जाम जो है बृहस्पतिवार को स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थगित हो चुकी है और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर CS के निर्देश पर जो यहाँ पर अफसर नियमानुसार करे तबादला। तो और वहीं बात करें यहाँ पर तिरसाखेत प्राथमिक विद्यालय में जो हेडमास्टर की होगी तैनाती। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जो है खबर का लिया संज्ञान और यहाँ पर जो है शिक्षक को भेजा। तो यहाँ पर शिक्षक ना होने की वजह से यहाँ पर पढ़ाई बाधित हुई थी, तो अब यहाँ पर जो हेडमास्टर की तैनाती हो जाएगी। और बुधवार को यहाँ पर जो है भोजन माता के भरोसे यहाँ पर रहा था प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर जो है DU ने बेसिक ने किसी शिक्षक को यहाँ पर जो आदेश किया था और यहाँ जो है व्यवस्था की थी, और उस पर यहाँ पर कहा गया कि वह विद्यालय नहीं आ पाए थे। और फिलहाल जो है शिक्षक को यहाँ पर जो है विद्यालय भेज दिया गया है, और प्रमोशन के बाद जो है जल्द हेडमास्टर को यहाँ पर जो है भेजा जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रधानाचार्य को जो है प्रशासनिक संवर्ग का कार्यभार से देने पर रोक। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में प्रशासनिक जो संवर्ग के अधिकारी होंगे उनको यहाँ जो है अतिरिक्त कार्यभार देने के लिए यहाँ पर हटा दिया गया है। वो अब वो शिक्षण कार्य पर ही काम करेंगे, बाकी जितने भी यहाँ पर शिक्षा विभाग में 2011 में जो शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग को पूर्ण रूप से पृथक कर चुका है, और इसके बाद जो यहाँ पर शैक्षणिक संवर्ग में जो कार्यरत प्रधानाचार्य होंगे वो विभिन्न जिलों में जो है उपखंड शिक्षा अधिकारी अथवा खंड शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त भार यहाँ पर सौंपा गया था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। और वहीं बात करें बच्चों की पढ़ाई जो है मातृभाषा में यहाँ पर हो या अंग्रेजी में जो है, तो इसके लिए यहाँ पर जो है DG राय के बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति है तो इस पर राय बतानी है कि मातृभाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा में, इसके लिए राय पूछी गई है। और CUET की जो है दूसरे चरण के पहले दिन जो है यहाँ पर अफरा तफरी मची है, और देश के जो है केंद्रों पर जो है दूसरी पाली की परीक्षा यहाँ पर रद्द कर दी गई है, और पहली पाली में यहाँ पर कुछ केंद्रों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरी पाली थी उसको रद्द कर दिया गया है, पहली पाली में कुछ परीक्षाएं जो यहाँ पर केंद्रों में थी वो स्थगित हो चुकी हैं, और इस तरह का परीक्षा रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रभारी उप जिलाधिकारी से यहाँ पर जो लिया गया चार्ज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक की मौत के कारण जो यहाँ पर 4 वर्ष बाद जो है तबादला प्रकरण में जो प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी हैं, और यहाँ पर पटल लिपिक पर जो है कार्रवाई हुई, और दोनों की जो यहाँ पर सेवा पुस्तिका में जो है जहाँ प्रतिकूल प्रविष्टि की गई, और वहीं यहाँ पर प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी से यहाँ पर चार्ज हटा दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षिका को यहाँ पर जो है जूनियर में जो है भेजने का विरोध। तो यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय की जो है शिक्षिका की जो है तैनाती का शिक्षकों ने यहाँ पर जो है विरोध किया है। और वहीं बात करें यहाँ पर MSc रसायन विज्ञान अंतिम वर्ष के यहाँ पर सभी छात्र यहाँ पर फेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PG कॉलेज के यहाँ पर जो है MSc रसायन अंतिम वर्ष के जो है सभी छात्र यहाँ पर फेल हो गए हैं, और ओम छात्र संगठन ने जो है परीक्षा मूल्यांकन में जो है गड़बड़ी का आरोप लगाया है। और वहीं यहाँ पर प्रधानाचार्य के माध्यम से यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय के कुल सचिव व परीक्षा निरीक्षक को जो है ज्ञापन भेजकर जो परिणाम में जो है सुधार करने की यहाँ पर मांग भी की गई है।
और बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है भर्ती घोटाले को लेकर, तो यहाँ पर लगातार जो है एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो भर्ती घपले में जो यहाँ पर रडार पर आया संदिग्ध बैंकॉक पहुँचा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भर्ती घोटाले का संदिग्ध था वो यहाँ पर बैंकॉक पहुँच चुका है, और बताया गया है कि यहाँ पर बेरोजगारी के साथ धोखा हुआ है, और 13 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर एसटीएफ जो है भेज चुकी है जेल अभी तक। और एक रिटायर्ड अधिकारी के जरिए यहाँ पर जो है नेटवर्क संचालित करने का जो है शक गहराया हुआ है, और पिछली भर्ती में भी यहाँ पर जो है आया था नेता का नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेता भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पिछली भर्ती में भी ये नेता का नाम यहाँ पर आया हुआ था, और वही रिटायर्ड अधिकारी भी यहाँ पर जो है नेटवर्क संचालन में जो है इसमें शामिल हुआ है। और इस मामले में जो है कुछ सफ़ेद पोशों की भी यहाँ पर जो है भूमिका होने की जो है सूचना मिली है, और साक्ष्य के आधार पर जो है ऐसी जो यहाँ पर सब जो सफ़ेद पोश हैं उनकी कुंडली खंगाली जा रही है, और दोषी जो है पाए जाने पर जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो है जल्द ही यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जो कि यहाँ पर एसटीएफ के यहाँ पर जो एसएसपी हैं उनके द्वारा बताया गया है अजय सिंह ने। और यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों के यहाँ पर गिरफ्तारी संभव, तो बताया गया है कि योग्यता प्रेस पेपर लीक में जो है रिकॉर्ड 100 से ज़्यादा यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं ऐसा यहाँ पर बताया गया, तो 100 से ज़्यादा लोग होने हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर कुल यहाँ पर देख सकते हैं कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कॉलेज में यहाँ पर 30 नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन कोर्स में जो है प्रवेश के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं छात्र छात्राएं। तो यहाँ पर जो है ये नए कोर्स खोल देंगे उत्तराखंड, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के द्वारा 30 नए कोर्स कर देंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये इतने सारे कोर्सेज यहाँ पर नए लॉन्च कर दिए गए हैं, और इस पर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं नई शिक्षा नीति के तहत। और वहीं बात करें शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो है 955 युवाओं को जो है मिलेगा रोजगार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में 955 पद की वैकेंसी आपको अब जल्दी देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो बीआरपी और सीआरपी के पोस्ट हैं वे पहली बार आपको यहाँ पर जो है अब सीधी भर्ती के द्वारा देखने को मिलेगा, अब विभागों से यहाँ पर जो है इनका जो है छीन लिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है इनको भर्ती आउटसोर्स से यहाँ पर जो आधार पर जो है नियुक्ति का प्रस्ताव यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, और अब तक जो है विभागीय शिक्षकों के यहाँ पर जो है प्रतिनियुक्ति पर जो है इनमें अपना काम करते थे, और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पद आपका 285 पद आपके यहाँ पर बीआरपी होगा, और 670 पोस्ट आपका जो है सीआरपी के पोस्ट होंगे। इनके लिए आपको यहाँ पर जो है अब नई भर्ती अब जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात करें प्रदेश में जो है 12 पुलिस उपाध्यक्षों के यहाँ पर तबादले कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें पर औली में जो है बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगे भारत और अमेरिका। तो यहाँ पर जो है 14 से लेकर 31 अक्टूबर में तक चलने लगा और 8वां युद्धाभ्यास तो यहाँ पर औली में होना है। भर्ती घोटाले को लेकर जो है यहाँ पर गिरफ्तार 3 कर्मियों के यहाँ पर चयन पर भी यहाँ पर जो है गहराया संदेह। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक भर्ती परीक्षा में जो है अब 4 यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर 3 कोर्ट में लिपिक हैं, और एसटीएम ने यहाँ पर पेपर आउट कराने का जो है रैकेट के जरिए यहाँ पर भर्ती होने वाले यहाँ पर संदेह जताया गया है, और इसमें यहाँ पर जो है इनका भर्ती में होना जो है संदेह बताया गया है, जिससे यहाँ पर पूर्व में भर्तियाँ संदेह के घेरे में आ गई रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व की जो भर्तियाँ हैं वो संदेह में आ सकती है। इनका चयन यहाँ पर 2019 में हुआ था जनरल सेवा चयन की परीक्षा के द्वारा, जिसमें यहाँ पर लिपिक के 329 पदों की भर्ती यहाँ पर कराई गई थी, और जिसका परिणाम 2020 में यहाँ पर आया था, तो उसमें जो है इनका नियुक्ति हुआ था। ये भर्ती जो है यहाँ पर घेरे में आ सकती है, और भर्ती परीक्षा में जो है घपले के आरोपी से यहाँ पर मिले कई चेक भी मिले हैं, और वहीं यहाँ पर पिछली भर्ती से यहाँ पर जो है इनका जो है शक यहाँ पर पैदा हो रहा है। इनकी गिरफ्तारी से पिछली भर्तियों पर भी यहाँ पर हुआ शक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरफ्तारी से इनकी पिछली भर्ती से भी यहाँ पर जो है शक हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2019 की भर्ती में भी यहाँ पर जो न्यायालय में क्लर्क की पोस्ट आई थी उसमें यहाँ पर आशंका जताई गई कि ये इन्होंने यहाँ पर जो है नकल की होगी, यानी कि गलत तरीके से इनका चयन हुआ होगा। इसको लेकर जो है यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर शक है, और जाँच जो एजेंसी यहाँ पर डाटाबेस खंगालने में जुटी हुई है, और इस भर्ती के जरिए यहाँ चयनित दो कर्मी हैं उस भी यहाँ पर भर्ती घोटाले को लेकर जो है अंजाम देने के जो आरोपी हैं एसटीएफ द्वारा यहाँ पर किए जा चुके हैं गिरफ्तार। तो यहाँ पर देखते हैं कि पुरानी भर्ती से भी इनका लिंक हो सकता है, पुरानी भर्ती से भी अब इनका यहाँ पर खुल सकता है कई राज। और वहीं बात करें यहाँ पर क्रिकेटर जो है ऋषभ पंत होंगे प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश सरकार ने क्रिकेटर जो यहाँ पर हैं इंडिया क्रिकेट टीम के यहाँ पर कप्तान की भूमिका यहाँ पर निभा चुके उत्तराखंड के ऋषभ पंत, इनको यहाँ पर जो है प्रदेश का ब्रांड नंबर बनाने की तैयारी चली है। और वहीं बात करें यहाँ पर अग्निपथ यूपी और उत्तराखंड के यहाँ पर जो है लगभग जो है 5.5 लाख जो है आवेदन आए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी में और यहाँ पर उत्तराखंड में लगभग अभी तक का यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो है फॉर्म आ चुके हैं। और वहीं बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 803 पदों के लिए एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट निकाली है, इसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर 200 रुपये हैं
शुल्क हैं और इसके लिए अंतिम तिथि 1 सितंबर रखा गया है और सेल में मौका मिला है जो कि नर्सिंग की पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आप 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, अनुबंध के आधार पर रहेगा। और वहीं यहाँ पर यूपी पीसीएल में पोस्ट निकाली गई है 1,033 पदों के लिए, जिसमें यहाँ पर कार्यकारी सहायक की पोस्ट होंगी। इसके लिए यहाँ पर 40 वर्ष के अभ्यर्थी तक आवेदन कर सकते हैं, 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और आवेदन शुल्क यहाँ पर 1,000 से ज़्यादा है। और इसमें यहाँ पर वेबसाइट जारी किया गया है और नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर यहाँ पर जो पोस्ट निकाल के 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर JSS महाविद्यापीठ यहाँ पर जो है 28 अगस्त तक आवेदन करना है। और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम यहाँ पर भी पोस्ट निकाली गई है, 29 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर NCT ने यहाँ पर जो है CTET जो यहाँ पर टेट होंगे, ठीक है, सभी टेट के लिए कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि उसी CTET है, सिर्फ टेट कोई भी टेट यानी कि राज्य सरकार में भी लागू होगा तो यह सभी टेटों पर जो है लागू कर दिया गया है। अब कोई भी जो अभ्यर्थी होगा वो अब यहाँ पर BEd में एडमिशन लेने के तुरंत बाद यहाँ पर जो है टेट अगर क्वालिफाई करता है तो वैलिड माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपका यहाँ पर होता था कि 3rd सेमेस्टर में जाएगा तो ही यहाँ पर जो है वो टेट के लिए फॉर्म फिल करेगा और उसके लिए ही एलिजिबिलिटी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी चेंज कर दिया गया है और किसका नोटिस यहाँ पर कल जारी हो चुका है और इसमें यहाँ पर जो है अब अप्रूव मिल चुका है टेट को लेकर। तो कोई भी टेट अगर आपके पास है, अगर आपने BEd में यहाँ पर एडमिशन ले लिया है तो वैलिड रहेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर, उत्तराखंड में LT शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका LT समाज विज्ञान की एक पोस्ट है और LT हिंदी की पोस्ट एक है और इसमें यहाँ पर अनारक्षित की पोस्ट है विज्ञान में, बाकी यहाँ पर अनुसूचित जाति की एक पोस्ट है। और इसमें UTET और CTET अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। ये ऊधम सिंह नगर में निकाले गए, जिसमें आपको देख सकते हैं जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरार रुद्रपुर, यहाँ पर रुद्रपुर में निकाला गया है। तो इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की ऑफिस से आपको यह फॉर्म मिल जाएगा, वहीं से आपको यहाँ पर आवेदन करना है इन पदों के लिए।